सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सब लोग, होप यू आर ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआ से किर्रा को। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है 1 जनवरी 2023, विच मींस आज न्यू ईयर है। सो विशिंग यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स हु हैड सपोर्टेड मी ए लॉट। ऐसी सपोर्ट करते रहो और किर्रा किर्रा वीडियोस अपन फ्यूचर में डालते रहेंगे। सो गाइस, आज मेरा वीक ऑफ है ऑफिस से। सो मैं आज सोच रहा था कि एक नया ब्लॉग शूट करेंगे बोल के। सो अभी जो रहता कुछ मॉर्निंग 11:30 कुछ हो रहा, क्योंकि December 31st नाइट को जो रहता मेरे को ऑफ नहीं था, मेरे को ऑफिस जाने का था, तो मैं ऑलरेडी ऑफिस को गया। नाइट शिफ्ट चल रहा है मेरा, तो नाइट 6:30 से लेके मॉर्निंग 3:30 मेरा शिफ्ट खत्म हुआ। 4:30 AM को घर को आया, मैं आके सो गया था, तो नींद भी इंपॉर्टेंट है। तो सो के जो रहता अब भी 11:30 को उठा मैं। उठने के बाद सोच रहा था कि न्यू ईयर है ना, एक नया वीडियो शूट करेंगे बोल के। तो मैं थोड़े प्लेसेस सर्च कर रहा था गाइस कि कौन सा प्लेस एक्सप्लोर करेंगे बोल के। सो दो तीन प्लेसेस चेक करा, तो फर्स्ट प्लेस जो रहती वो है गंडीपेट लेक पार्क बोल के है लोकेशन। सो गंडीपेट के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होगा उस्मान सागर, क्योंकि आप लोग हैदराबाद में रह रहे हैं, तो आप लोगों को गंडीपेट का पूरा हिस्ट्री मालूम होगा कि वो क्या है एंड ऑल। मतलब ये एक लेक है जो सिकंदराबाद एंड हैदराबाद को, मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वहीं से होता अपन को, रिजर्वायर टाइप है ये। तो ये जो रहता रिसेंटली सेप्टेम्बर या अक्टूबर में इसको रेनोवेट करे गए थे, क्योंकि पुराना गंडीपेट जो था ना वो पूरा लेक था। लेक के पास जो रहता ब्रिज वगैरह था, जालियां वगैरह लगा के रखे थे ये लोग, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता कुछ 36.60 करोड़ कुछ लगा के जो रहता इसको पूरा रिनोवेट करे गए थे, एक पिकनिक स्पॉट या मतलब पब्लिक विजिट के लिए जो रहता एक पार्क की तरह इसको पूरा बना दिए गए थे ये लोकेशन को, राइट। एंड ये जो रहता ना पूरा 18 acres के लैंड पर जो रहता पूरा सराउंडेड है कहते पूरा पार्क। सो ऑब्वियसली लोकेशन बहुत किर्रा करेंगे बोल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो थोड़े रील्स वगैरह चेक करा मैं एंड गूगल में ही फोटोज चेक करा, तो लोकेशन तो बहुत किर्रा दिख रहा गाइस। सो मैं क्या सोच रहा था कि एक बार अपन उधर जाके विजिट करेंगे, विजिट करके देखेंगे कि फोटोज में से अच्छा है या रियलिटी में अपन जाके उधर इंजॉय कर सकते हैं एंड ऑल। सो वीडियो को एंड तक देखते रहो गाइस। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आता ना पहला नोटिफिकेशन आपको गिरता। एंड इधर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दे देता हूँ गाइस, अगर इंटरेस्टेड है सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड जो कुछ भी डाउट्स है आप लोग मेरे से वहाँ पे मेरे को बात कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। सो चलो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहो, चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मैं गंडीपेट लोकेशन का जो रहता था गूगल मैप्स में चेक कर रहा था कि कितने किलोमीटर है बोलकर। सो अभी चेक करा तो यहाँ से 1 hour 6 minutes बोल के बता रहा गाइस उस्मान सागर मेरे घर से। सो चलो चेक करेंगे कितने किलोमीटर रहता है। जस्ट ए मोमेंट, OMG, ये जो रहता मेरे घर से 32 किलोमीटर है अभी राइट नाउ। सो 1 hour अप्रॉक्स तो लगता अपन को, ऑब्वियसली आज न्यू ईयर है, ट्रैफिक भी कुप्पा रहता आज, तो अपन एक डेढ़ घंटा समझना जर्नी, ठीक है ना। सो चलो वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे, चलो वीडियो को देखते रहो एंड तक। सो फाइनली गाइस, अब भी रेडी हुआ मैं, तो अभी जो रहता कुछ 2 to 30 कुछ हो रहा है, फ्रेश अप हुए हो गया, अब भी ब्रेकफास्ट करा रहा। तो चलो अपन लोकेशन के लिए निकलेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहो, चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये रहा तारामती बरादरी जो अपन लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे 2 videos पहले। सो ये भी रास्ते में पड़ता अपन की लोकेशन। सो इधर से भी अभी 10 किलोमीटर बता रहा गंडीपेट, तो चलो जाएंगे। सो फाइनली गाइस, यहाँ से 3.5 किलोमीटर है गंडीपेट, आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। फाइनली गाइस पहुँच गए हम लोग, आप लोग इधर ट्रैफिक देख सकते कितनी है, न्यू ईयर है बोल के। सो फाइनली गाइस अंदर आ गया मैं, आने के बाद यहाँ पे देखो आप कितनी पब्लिक भरी हुई है खाली। सो इधर टिकट भी है कहते एंट्री टिकट, तो गूगल में कुछ मेंशन नहीं था, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट ये जो लेन है ना टिकट काउंटर है कहते, चेक करेंगे कितना है टिकट।
सो फाइनली गाइस टिकट खरीद लिया हमें, तो इसमें जो रहता ईच टिकट 50 रुपीज़ है कहते, एंड आज है 1st January, मगर आई डोंट नो ये लोग 2nd January किस लिए मेंशन करे। खैर अपन अंदर तो जाएंगे गाइस, तो ये एग्जैक्ट जो ऑपोजिट गेट है ना यही है एंट्री गेट। सो चलो अपन अंदर जाएंगे अभी। सो जैसे ही अंदर आने के बाद राइट साइड एक है, लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड से गाड़ी आ रही गाइस, सो लेफ्ट साइड से अपन को अंदर जाना। सो फाइनली गाइस मैं जो रहता अंदर गंडीपेट पार्क के अंदर आ गया था। आने के बाद जो रहता एक्चुअली जब हम लोग इधर आए ना फुल ट्रैफिक थी, तो ट्रैफिक को पार करने के बाद जब हम लोग इधर पहुंचे तो एक्जैक्टली जो रहता 5 o'clock कुछ में हम लोग इधर पहुंचे थे। 5 o'clock के बाद क्या करे वो तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा गाइस में। तो यहाँ पे अपने लायक कुछ भी चीज़ें नहीं है इधर, पूरे छोटे बच्चों के लिए एंड फैमिली के साथ आ रहे थे आप लोग पिकनिक स्पॉट वगैरह, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपका वीकेंड वगैरह उतना ही चाहे, बाकी का अपन कुछ भी ज़्यादा इतना इन्जॉय नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप लोग गंडीपेट देखे होंगे कैसा रहता, मतलब पूरा पानी एंड जालियाँ वगैरह लगा के रहते, सेम डिट्टो वैसी चे, जस्ट 1-2-3 चीज़ें ये लोग रिनोवेट मतलब नई चीज़ बना दी है एज ए टूरिस्ट स्पॉट, उतना ही चाहे इसमें डिफरेंस। तो 50 रुपये जो अपन टिकट के पैसे पे कर रहे हो टोटली मेरे को तो वर्थ इट नहीं दिखा, मगर जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी 36.60 crore कुछ इन्वेस्ट करी करते ये बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली अपन से वसूलना पड़ता है इन लोगों को। तो खैर मसला नहीं है, अभी भी आप चाहे तो भी एक बार विजिट कर सकते, वीकेंड में नक्को आ गाइस, क्योंकि आज मैं फर्स्ट जनवरी है बल्कि आज मैं आया, वीकेंड पागल हो गया मैं,
इतना ट्रैफिक था यहाँ पे, ट्रैफिक एंड इतनी पब्लिक थी, मैं रिटर्न चल जाएंगे बोल के सोचा था, मगर मेरे घर से 36 किलोमीटर है, इतनी दूर आया क्यों गिव अप कर देना, बल्कि मैं वीडियो शूट करा फिर भी, ठीक है ना। तो अगर आप आना सोच रहे तो वीकेंड के टाइम पे ना आओ, बीच में कौन से वीक डेज में आप आ जाओ, इन्जॉय कर सकते, पूरा मज़े ले सकते ये जगह की, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया ये लोकेशन पर, मगर फिर भी देखेंगे कुछ बच गया या नहीं, ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया। तो जाते जाते अब मैं एग्जिट हो रहा हूँ, क्योंकि अभी 6:20 कुछ हो रहा है, 6:30 को पार्क बंद हो जाता, तो अपन जाते जाते देखेंगे कुछ मिस करे या नहीं, तो एग्जिट का पूरा आपको बता देता हूँ। तो चलो वीडियो को एंड तक देखते रहो, चलो। ये है एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करना है अपन को, यहाँ से एंट्रेंस लिए थे अपन, ऑलमोस्ट बंद होने जा रहा था, ये अभी भी देखो बंद होने जा रहा, तो भी इतनी पब्लिक आ रही है अभी भी। यहाँ पे टिकट काउंटर था, तो चलो अपन जाएंगे, अब अपनी गाड़ी कहाँ रखे वो ढूंढना है अपन। तो फाइनली गाइस अब भी जो रहता बाहर आया मैं, ये जो पीछे मंदिर दिख रहा ना, वहीं पे गंडीपेट का बस स्टॉप रहता था। तो जब स्टार्टिंग में हम लोग आरटीसी बस में आता था, मैं बहुत बार आया, तो वहीं पे बस रुकती थी, वहाँ से हम लोग अंदर जाते थे, मगर अब क्या करें बोले तो यहाँ पे पूरा कार पार्किंग वगैरह कर दिए, बसेस वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहे। एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो अभी स्ट्रिंग वगैरह लिया, चलो अपन वीडियो को एंड तक देख रहे हो। सो गाइस अभी बाहर जा रहा हूँ मैं गाड़ी को ढूंढने के लिए, क्योंकि अंदर पार्किंग नहीं थी, तो मैं यहाँ कहीं की पार्क करा, वही ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ पार्क करा बोल के। तो चलो देखेंगे अपनी गाड़ी की क्या हालत हो गई होंगी, चलो देखते जाओ वीडियो। गाड़ी देखने आया था तो यहाँ पे अपनी गाड़ी सही सलामत, मैं तो डर गया था कि मतलब नो पार्किंग है इधर, पूरे जगह करे तो गाड़ी पुलिस वाले कहाँ डाल लेंगे वो बोल के, मगर ये एग्जैक्ट मस्जिद के बाजू पार्किंग करा इसलिए लाइट है। तो चलो अपन निकलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इधर तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया ना वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आता ना पहला नोटिफिकेशन आपको गिरता। एंड कमिंग टू द टॉपिक गाइस, वीडियो में आपको पूरा गंडीपेट के रिलेटेड पूरा डिटेल्स में बताया था मैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपन उधर जाके एंड क्या क्या प्लेसेस है। सो टू बी ऑनेस्ट गाइस, वन टाइम विजिट के लिए जो रहता है ये प्लेस बेटर है, बार बार आपको जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है इधर, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी गंडीपेट विजिट करे प्रीवियस। सो आप लोगों को आइडिया होगा क्या था गंडीपेट में, जस्ट एक दो चीज़ें ये लोग रिनोवेट कर रहे उतना ही है। सो मेक श्योर करो अगर आप उधर विजिट करना चाह रहे तो वीकेंड के टाइम नको जाओ गाइस, फुल पब्लिक है, क्योंकि नया नया ये रिनोवेट हुआ ना तो पब्लिक कुप्पा रह रही। सो अगर आपको ये जगह का इंजॉय करना है तो आप लोग जो रहता है वीकडेज में जाओ, जैसे कि सैटरडे संडे छोड़कर आप लोग कभी भी जा सकते हैं। इसका टाइमिंग्स क्या है वो तो मॉर्निंग 9:30 से लेकर इवनिंग 6:30 तक ओपन रहता। सो मेक श्योर करो गाइस आप लोग भी ये प्लेस को विजिट करने के लिए। सो गाइस कमेंट सेक्शन खाली रहता गाइस, सो मेक श्योर करो आप लोग कमेंट करने के लिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते, ठीक है ना। एंड इफ पॉसिबल मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर होगा तो ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाता, ज़्यादा व्यूज आते, ठीक है ना। सो ऐसे सपोर्ट करते रहो गाइस, टिल दैट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखो, चलो अल्लाह हाफिज़।